हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्टिकेरिया के इलाज के बारे में बताया था। मैंने एक वीडियो बना रखा है गेरू वाला, वो इलाज मैंने खुद भी किया था तो मुझे फ़ायदा हुआ था। लेकिन ऐसा है कि केवल उसी को करने से अर्टिकेरिया पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेन कॉज इसका लीवर प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको किया था, 3 वीक्स तक मैंने उसे किया था। उसके बाद में मेरी प्रॉब्लम 80% तो ठीक हो गई थी। फिर मैंने लीवर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जस्ट उसको बंद करते ही लीवर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ये देखिए, ये है अर के कासनी, ये रेक्स कंपनी का है। तो मैंने इसकी 2 बॉटल मंगवाई थी और खाना खाने के आधा घंटा पहले मैंने 3-3 चम्मच दिन में और नाइट में दोनों टाइम खाना खाने के पहले से लिया था। तो मैंने 2 बॉटल ले चुकी हूँ और आप देखिए ये भी ख़त्म होने वाली है। और अभी मैं ठीक है, मुझे मतलब अभी पूरी तरह से फ़ायदा हो गया है, लेकिन मैं अभी ट्रीटमेंट बंद नहीं करूँगी जब तक कि लीवर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए। मैंने इसके अलावा मैंने अब ये नई सिरप मंगाई है, ये हिमालया की, ये भी लीवर ट्रीटमेंट के लिए है। और इसकी मैंने 3 बॉटल मंगाई है, मैं इसे 1.5 महीने तक लूँगी। 1 मंथ तक मैं इसको दिन में 3 बार लूँगी, 2-2 चम्मच, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में इसको दिन में 2 बार कर दूँगी, और 3rd मंथ मैं दिन में 1 बार इसको लूँगी। तो अभी तो मेरे अर्टिकेरिया काफ़ी ठीक हो चुका है, मतलब अभी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं सच बताऊँ आपको, मुझे अर्टिकेरिया की दवाई लेनी पड़ती थी, जो लिवोसिट्रिजन है उसके टैबलेट मुझे हर 2 दिन में लेनी पड़ती थी, नहीं लेती थी तो आपको पता ही है शीत पित्त कितना भयंकर है और इतनी मतलब समस्या हो जाती थी, खुजली की और ददोड़े हो जाते थे, उस सब में आराम है। और मैंने अभी टैबलेट बंद कर दिए। गेरू, जब मैंने गेरू ट्रीटमेंट लिया था तो मुझे टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो टैबलेट बंद हो गई थी मेरी। उसके बाद में मुझे काफ़ी आराम आया, फिर मैंने ये अर्क कासनी लिया और अब मैं ये हिमालया के जो सिरप है ये लूँगी। और सच में फिर अर्टिकेरिया आप लोगों का भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मेरा भी हो चुका है। तो लीवर को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है अर्टिकेरिया के लिए। और आपको ये मेडिसिन लेते समय ध्यान रखना है कि आपको दूध नहीं पीना है, और दूध आपको सुबह तो पीना भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये लीवर पर नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। दूध नहीं पीना है, घी नहीं खाना है, और ज़्यादा हैवी फूड जो हम लेते हैं जंक फूड ये भी नहीं लेना है। हल्का फुल्का खाना खाइए, जूस पिए, और हाँ, और दही खाना है आपको, और आपको सुबह भीगे हुए किशमिश खा लेने हैं, 8-10 दाने किशमिश के। और ये ट्रीटमेंट आपको 3 महीने तक करना होगा और अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा। मेरा काम नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाना कि मैं वीडियो अपलोड करूँ पैसे कमाऊँ, मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं होता है। बस मेरा अर्टिकेरिया ठीक हुआ तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का भी ठीक हो जाए। और आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। बस मेरी तो यही दुआ है कि आप सबका अर्टिकेरिया भी ठीक हो जाए जैसे मेरा हुआ। बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ है ये, मैं खुद 4 साल से इस प्रॉब्लम में थी, अब जाके मुझे सॉल्यूशन मिला है। और मुझे किसी ने बताया था कि लीवर के कारण है, मतलब ऐसे स्किन पे कोई स्क्रैच करते ही वो हो जाते थे, ददोरे हो जाते थे और बहुत सेंसिटिव स्किन हो गई थी, पर अब जाके आराम मिला है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, और कुछ भी आपको
कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आपका अर्टिकेरिया ठीक हो जाए तो किसी और को भी ज़रूर बताना। मैं ये मेडिसिन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जो मेरा इसमें पिछला वीडियो है गेरू वाला, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और ट्रीटमेंट प्लीज़ चालू कर दीजिएगा, क्योंकि लीवर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक अर्टिकेरिया ठीक नहीं होने वाला है। बीमारी को ख़त्म करने से बेटर है कि हम उसकी जड़ को ख़त्म करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।